तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हल्के असेंबली कारवान में मुत्तहदा तौर पर आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो लड़ाई फिरका परस्ती से चल रही है, मजलिस दो ऐवान पार्लियामेंट में, ऐवान असेंबली में और तेलंगाना में बीजेपी से जमहूरी तरीके से मुकाबला करके बीजेपी को शिकस्त दे रही है, उनको कमज़ोर कर रही है। तो बीजेपी यही चाहती है कि हल्के असेंबली कारवान में मजलिस की तरफ से जो तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, मजलिस की तरफ से हल्के असेंबली कारवान में जो एक मोहब्बत और भाईचारगी का माहौल पैदा किया गया, जहां पर बगैर किसी के मजहब को देखकर मजलिस काम करती है, और आप जानते हैं कि कौसर मुहिउद्दीन की मजलिस की नुमाइंदगी पर यहां पर हज़ारों की तादाद में हमारी ख़वातीन को शादी मुबारक के चेक्स भी दिए गए हैं। तो एक लंबी फहरिस्त है तरक्याती कामों की। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया, और हमारी हमेशा एक कोशिश रही कि आवाम जो हम पर एतमाद और भरोसा किया, हम बेबाक तरीक़े से गरीबों और मजलूमों के मसाइल को ऐवान असम्बली में और ऐवान के बाहर भी उठाते रहे हैं। तो मेरी आप तमाम सदबन गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब कौसर मुहिउद्दीन का जो इंतखाबी निशान पतंग है, आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, अपनी सियासी क़यादत को और मजबूत करिए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।